मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल अनलॉक टेक। जैसा कि आप इस पेज पर देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है संदेश। जी हाँ दोस्तों, यही है भारतीय व्हाट्सएप जो लॉन्च किया गया है। आप देख सकते हैं गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम, जिसे कि हम GIMS बोलते हैं। GIMS.gov.in पर आपको ये इसका APK फाइल मिलेगा। नीचे देख सकते हैं डिजिटल इंडिया के तहत आत्मनिर्भर भारत हम बन रहे हैं, और आत्मनिर्भर भारत में जो मैसेजिंग ऐप की ओर पहला कदम बढ़ाया गया है, NIC इसमें शामिल है, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। इसका नाम है संदेश। आप बाकी के और जो है इसमें देख सकते हैं, ये जब वेबसाइट पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एंड्रॉयड का जो APK है ऊपर मिलेगा, 29 MB का है। यहाँ कंपेटिबल दिखाया गया है एंड्रॉयड 5.0 वर्जन और उससे ऊपर होना चाहिए। नीचे iOS पर भी ये अवेलेबल है। इवन ये एप्पल के ऐप स्टोर पर भी संदेश नाम के एप्लीकेशन से मिल रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये इसका जो है लैंडिंग पेज होगा। नेक्स्ट जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको वाया मोबाइल और ईमेल आप इसमें जो है लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर एक लेट्स क्रिएट योर न्यू अकाउंट का ऑप्शन आएगा। यहाँ आप अपना नाम दर्ज करेंगे। नाम दर्ज करने के बाद आप यहाँ पर जो है अपना जेंडर दर्ज करेंगे, और इसके बाद आप यहाँ से जो है लोकेशन देंगे। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा ये ऐप है। हम ये ऐप आपको यहाँ पर चलाकर दिखाएंगे, इसके फीचर्स दिखाएंगे। हम आशा करते हैं कि ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला होगा आप लोगों के लिए। और दूसरी बात, जितना भी हो सकता है जल्द से जल्द इस एप्लीकेशन को हमें डाउनलोड करना चाहिए, क्योंकि इसके फीचर्स जो मैं बताने वाला हूँ, इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, आप लोगों को ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख सकते हैं हम हर दिन मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए वीडियोज़ को लेकर आते हैं। आइए दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ पहले किस तरीके से हम इसको इंस्टॉल करेंगे। ये एंड्रॉयड यूज़र्स को जो है इस गवर्नमेंट की वेबसाइट पर यहाँ जाना होगा, और यहाँ पर हमें लिखना है, हम सिंपल लिख देते हैं संदेश ऐप। ये संदेश ऐप हम लिखेंगे। यहाँ पर जो पहली वेबसाइट आ रही है www.gims.gov.in/dlink, यहाँ हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद, क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा हैवी रोल कर रहा है, यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा जल्दी लोग इसको देखिए, यहाँ पर ये आ गया है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये आप इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये प्रॉपर नीचे जो है अपडेटेड चल रहा है। आप यहां से इसको डाउनलोड करेंगे, एक APK फाइल आएगी आपको, आप उसको जो है इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद हम आपको ले चलते हैं GIMS पर। GIMS ये देख सकते हैं, यहां ये लोड हो गया है। काफ़ी अच्छा है, WhatsApp से हमें इसको कंपेयर नहीं करना चाहिए दोस्तों। उसका रीज़न इसलिए है क्योंकि काफ़ी सालों से WhatsApp ने यहां पर जो है पूरी दुनिया में कदम जमाए हुए हैं, और वो जो है उसका फोकस मेनली मैसेजिंग ऐप का था। यहाँ पर जो GIMS से आप एंड्रॉयड में देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा है GIMS, और ये गवर्नमेंट का जो है इनिशिएट है। आप संदेश ऐप से जो है इसको आईफोन में देख सकते हैं। इसको जो पहले शुरू किया गया था, अब ये आज से जो है इसको आम जनता के लिए पब्लिकली भी कर दिया गया है। पहले ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए हुआ करता था, जिनके पास भी .gov.in की ईमेल आईडी जो होती है, emailids.gov.in की, उनके लिए जो है इन्हें GIMS और संदेश ऐप को वो लोग एक्सेस कर सकते थे। लेकिन अब ये पब्लिकली ओपन कर दिया गया है। हम आपको दिखाएं, ये इसका पहला पेज है। ऊपर आप 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप सेटिंग्स पर आकर देख सकते हैं, यहाँ आपको नाम मिलेगा, आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, बैकअप देख सकते हैं, आप यहाँ से कॉन्टैक्ट मैनेज कर सकते हैं, ऐप सेटिंग कर सकते हैं, आप यहाँ से लॉग आउट भी हो सकते हैं। देन इसके बाद आप कॉन्टैक्ट बुक, यहाँ पर आप अपनी कॉन्टैक्ट बुक को सिंक्रोनाइज़ कर सकते हैं। सिंक्रोनाइज़ करने के साथ साथ अगर जो भी आपके जो दोस्त हैं या आपके जो भी संदेश ऐप को यूज़ करने वाले लोग हैं, वहाँ पर जो है उन लोगों का भी कॉन्टैक्ट आने लगेगा जो जो इसको इंस्टॉल कर रहे होंगे। जैसे अभी हम यहाँ पर अगर कोई भी नंबर या कोई भी आईडी डालते हैं तो उसको जो है ये अभी लेता नहीं है। देखिए, जैसे हमने ये मेल आईडी डाला, हम ऐड कॉन्टैक्ट करेंगे, नीचे एक मैसेज आ जाता है, यूज़र नॉट रजिस्टर इन संदेश। ये यूज़र जो है, जो हमने ईमेल आईडी डाली है, वो अभी संदेश पर रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। तो जो जो संदेश पर रजिस्टर्ड होते जाएंगे उनको यहाँ पर आप देख सकते हैं। नीचे आप ग्रुप बना सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं, और यहाँ पर काफ़ी अच्छी सुविधा दे रखी है। जैसे जैसे ये एप्लीकेशन आगे बढ़ेगा, इसके अपडेट्स आएंगे, आप लोगों को देखने मिलेगा। अभी जो है बेहतर, अगर हम कहें तो स्टार्टिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए, आप नीचे यहाँ देख पा रहे होंगे जो पैनल दिया हुआ है,
टाइप योर मैसेज, यहाँ पर क्लिक करेंगे। जो अच्छे फंक्शन जोड़े गए हैं आप देख सकते हैं, ये आपको दिख रहे होंगे, ये टी जो है ये इसको जो है एनिमेट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर लिखते हैं हेलो, और आप यहाँ पर आने के बाद देखिए आप इस हेलो को बोल्ड कर पाएंगे, इटैलिक कर पाएंगे, अंडरलाइन कर पाएंगे। आप चाहते हैं हेलो को किसी कलर में भेजना, तो ये कलर हो गया है। आप ऐसे जैसे लिखते जाएंगे देखिए ये इस कलर में ये मैसेज जो है बोल्ड इटैलिक होकर आता जाएगा। कितनी अच्छी ये सुविधा है आप देख सकते हैं, यहाँ से आप इसको एंटर कर सकते हैं। दूसरा जो मैं एक और दिखाना चाह रहा था आपको, यहाँ से क्रॉस करने के बाद आप टैग्स देख रहे होंगे, ये काफ़ी अच्छी चीज़ इन्होंने जो है इम्प्लीमेंट की है, ये आपको व्हाट्सएप में भी नहीं मिलेगी। टैग्स पर जाने के बाद आप ये तीन काम जो है कर सकते हैं, जैसे आप कहीं मैसेज कर रहे हैं आप उसको कॉन्फिडेंशियल कर दीजिए, आपने कॉन्फिडेंशियल कर दिया है, अब आप जो भी मैसेज लिखेंगे वो यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल कैटेगरी में जाएगा और आपके यूज़र को जो है ये वहाँ पर टैग होकर दिखेगा। आप प्रायोरिटी सेट करते हैं, प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं, आप चाहें तो ऑटो डिलीट भी कर सकते हैं। ऑटो डिलीट इसका भी कोई समय होगा, कोई एक टाइम होगा, उसके बाद ये मैसेज जो है ऑटोमेटिकली वहाँ से डिलीट हो जाएगा, आपको डिलीट भी नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद आप नीचे देख पा रहे होंगे आपको इमोजी दिख रहा होगा, ये जैसे इमोजी होता है, आपने जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर इमोजीज होते हैं जो हमारे हाव भाव एक्सप्रेशन बताते हैं, उस तरीके से उन्होंने इमोजी का यूज़ किया है। हो सकता है गवर्नमेंट इमोजीज इसके अंदर जो दे रखे हैं सिंबल्स, आप देख सकते हैं ये कुछ गवर्नमेंट के ही तरीके हैं, जो गाइडलाइन के तहत जो भी सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं वो अभी यहाँ पर लगाए गए हैं, क्योंकि शुरुआत है और शुरुआत के हिसाब से देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन हमें लगा है। अभी तक ज़्यादा लैग नहीं है इसके अंदर और व्हाट्सएप जैसा ही ये इंटरफेस हमें देता है, काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है दोस्तों, और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड कर सकते हैं। एक मैं और अच्छी आपको जानकारी देना चाहूँगा, जितने भी सरकारी लोग हैं, जितने भी गवर्नमेंट के लोग हैं जिनके पास gov.in का जो वेबसाइट होता है, ऐसा कहा गया है वो यूज़र जब अपनी आईडी बनाएंगे यहाँ पर रजिस्टर होंगे, अगर वो उस आईडी से रजिस्टर होते हैं तो आपने देखा होगा जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पर एक ब्लू टिक का साइन होता है, जो वेरीफाइड का साइन होता है कि दीज आर द वेरीफाइड मेम्बर्स, ऐसा ब्लू टिक का साइन यहाँ पर गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के लिए दिया जाएगा, और जब हम किसी से बात करेंगे, किसी को मैसेज करेंगे, कोई ग्रुप बनाएंगे, तो उस कैटेगरी में जो है जैसे हम जैसे आम जनता पब्लिक लोग हैं उनके आगे वो टिक नहीं रहेगा वेरीफाइड का, और जितने भी गवर्नमेंट आईडीज़ हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लोग हैं, उनके आगे .gov.in का टाइटल जो है दोस्तों रहने वाला है। तो दोस्तों ये था जो है GIMS ऐप, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और क्योंकि आज ही इसको पब्लिकली किया गया है तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं, क्योंकि फुली इंडियन है, इंडियन डेटाबेस है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन भी है, जो सबसे अच्छी बात है। जब आप यहाँ चैट कर रहे होते हैं, आप जब यहाँ पर मैसेज लिखते हैं, अब वो आप 1-to-1 करें, एंड टू एंड इंक्रिप्ट करें, वो पूरी तरीके से सेफ है, सिक्योर है, और NIC और गवर्नमेंट ने इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि आपकी प्राइवेसी को पूरी तरीके से जो है इनक्रिप्ट करके रखा जाएगा, और कोई भी डाटा लैक या फिर कोई भी ऐसे प्राइवेसी लैप्स यहाँ से नहीं होगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हंसते रहिए, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।